ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम को स्थगित रखिले मान्यवर उच्चतम न्यायालय 90 दिन पई आईन स्थगित पई सारा राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तेज 8 सप्ताह रे उत्तर रखा को राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए। प्रोफेसर अजित महांती आवेदन उपरे सुप्रीम कोर्ट का एक गुरुत्वपूर्ण निर्देश विश्वविद्यालय स्वायत्तता को यही आईन नष्ट कर शिक्षावित मैंने अभियोग करते अभियोग आधार में वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का गुरुत्वपूर्ण निर्देश आसी मुख्यतः प्रोफेसर अजित महांती आवेदन उपरे सुप्रीम कोर्ट का ये गुरुत्वपूर्ण निर्देश जे 8 सप्ताह रे उत्तर रखापी राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए। अपरपक्ष 90 दिन पई आईन स्थगित पई राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट निर्देश दिया जाए। तबे ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम को स्थगित रखिले मान्यवर उच्चतम न्यायालय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम को स्थगित रखिले मान्यवर उच्चतम न्यायालय 90 दिन पई आईन स्थगित पई राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश 8 सप्ताह रे उत्तर रखापी राज्य सरकार को निर्देश प्रोफेसर अजित महांती आवेदन उपरे सुप्रीम कोर्ट का गुरुत्वपूर्ण निर्देश विश्वविद्यालय स्वायत्तता को यह आईन नष्ट कर शिक्षावित मैंने अभियोग करते पुणि थे आपको कही रखुच्छी ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम को स्थगित रखिले मान्यवर उच्चतम न्यायालय 90 दिन पई आईन स्थगित पई राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश 8 सप्ताह रे उत्तर रखापी राज्य सरकार को निर्देश प्रोफेसर अजित महांती आवेदन उपरे सुप्रीम कोर्ट का गुरुत्वपूर्ण निर्देश विश्वविद्यालय स्वायत्तता को यही आईन नष्ट कर शिक्षावित मैंने अभियोग करते बाबद अधिक सूचना आम सहित सुप्रीम कोर्ट आडभोकेट जसमित सिंह जोड़े रही प्रथम तो पहले आपको स्वागत करती हूँ मैं। ये जो अभी जो राय आया है ये जो अभियोग पहले से जो एलिगेशन था उसके ऊपर जो अभी निर्देश आए हैं इसको आप पहले कैसे देखते हैं? देखिए ये आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जी ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर है क्योंकि जिस तरीके से उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा था जी कि उड़ीसा यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट के सारे प्रोविजन वैलिड हैं जी अगर उन प्रोविजंस को वैलिड करार रखा जाता जी तो उसके बाद सारे स्टेट अपने खुद के रेगुलेशन बना लेते हैं जो यूजीसी के कंप्लायंट भी हो सकते थे और कंप्लायंट नहीं भी हो सकते थे। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि यूजीसी का जो मेन पर्पज है वो ये है कि आप पूरे देश की सारी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करेंगे इस तरीके से हर स्टेट अपना अलग एक्ट निकाल लेगा तो उससे यूजीसी का जो पर्पज है वो डिफीट हो जाता। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस उड़ीसा हाई कोर्ट के जजमेंट को स्टे किया ताकि बाकी स्टेट इस तरह के अमेंडमेंट ना करें और यूजीसी का जो पर्पज है वो इंटैक्ट रहे जी, ऐसे जी, बहुत ही जरूरी ऑर्डर था जी, और ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस है जी, जिसमें यूजीसी की अथॉरिटी और यूजीसी की जो पावर है उस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कट डायरेक्शन दिए जाएंगे। हमारा केस ये है कि उस पावर को स्टेट एक्ट के थ्रू बाईपास नहीं किया जा सकता जी। सिंह जी ये जो 90 दिन तक जो आईन को अभी स्टे किया है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैम ये सिर्फ 90 डेज का स्टे नहीं था, इस ऑर्डर में ये कहा गया है हाँ। कि जो केस की फाइनल सुनवाई होगी जी वो 8 हफ्ते बाद होगी यानी कि 2 महीने बाद हाँ, हाँ, हाँ। और हाई कोर्ट के ऑर्डर को 3 महीने के लिए स्टे कर दिया गया है जी। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर इंटेंशन को देखा जाए तो वो इंटेंशन ये है कि वो इस केस को जल्द से जल्द डिस्पोजल करना चाहती है और 2 से 3 महीने के
दरमियान अगर ये डिस्पोजल होता है तो उस दरमियान उड़ीसा हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया गया है। अगर इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिस्पोजल नहीं होता है तो हम लॉ के अनुसार जो भी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी एप्लीकेशन फाइल करेंगे ताकि इस स्टे को एक्सटेंड किया जा सके। ओके, इसके बाद लॉ के आधार क्या होता है, आप वापस बताएंगे अपना सवाल जी? इसके बाद अगर ये जो 90 दिन तक स्टे किया है उसके बाद तो आईन के आधार में क्या होगा है? देखिए, 90 दिन तक स्टे किया है यानी कि उड़ीसा हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसकी आज की तारीख में कोई लीगल बाइंडिंग वैल्यू नहीं है जी। 90 दिन तक अगर सुप्रीम कोर्ट ये स्टे एक्सटेंड नहीं करती है जी जी, तो वो स्टे ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि वो स्टे खत्म हो गया है जी। उड़ीसा हाईकोर्ट के जजमेंट की बाइंडिंग वैल्यू हो जाएगी जी। और बाकी स्टेट उड़ीसा हाईकोर्ट जजमेंट के मुताबिक अपने अपने खुद रेगुलेशन और एक्ट बना पाएंगे, इसलिए स्टे का कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है जी। आज की तारीख में ये स्टे 3 महीने के लिए दिया है, 90 दिन के लिए दिया है जी, जी। अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट से फाइनली डिसाइड नहीं होता है तब तक तो हम इस स्टे को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे एज पर लॉ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आम सहित सुप्रीम कोर्ट आडभोकेट जशमिंत सिंह जोड़े रही थे। तो कौट ना कौटी ये कहुई पार जे 90 दिन जो कथा कहुच्छे जे आईन स्थगित जो राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दि जाए कि आईनगत अनुजाई परवर्ती समय यह एक्सटेड करें।